मैं समझता हूं कि कांग्रेस और मजबूत होगी, कांग्रेस जीत की तरफ जा रही है। कोड़ी लॉज तब भी सेंटर था, आज भी सेंटर है और रहेगा भी। इसमें जल्दी टेप निकले, ये सारी टेप भी रिकॉर्डेड है, वार्तालाप समझ गए आप। और ये टेप जब खुलासा होगा तो सरकार को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। जो पार्टी की अगर हमारी आवश्यकता है इलेक्शन लड़ने की होगी तो जरूर लड़ेंगे, अगर मैनेजमेंट की होगी तो जरूर करेंगे। नमस्कार, समाचार फर्स्ट में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष ये चुनावी वर्ष है और इस दौरान जो है चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही पार्टियों ने चुनावी कमर कस ली है। कांग्रेस में कई बदलाव देखने को मिले हैं हाल ही में। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन जी है। लंबा अनुभव इनका रहा है कांग्रेस पार्टी में। हर्ष जी, आपका स्वागत है समाचार फर्स्ट में। जो बदलाव हाल ही में कांग्रेस पार्टी में किया गया है, किस तरह से इस बदलाव को देख रहे हैं और क्या लगता है कि नया जोश कांग्रेस पार्टी में इससे आया है? अवश्य नया जोश आया है। एक जो हमारे नेता एडजस्ट हुए हैं, चाहे मुकेश जी हैं चाहे सुक्खू जी हैं, अपने अपने स्थान पे बैठ गए हैं और अब तक इलेक्शन तक यही स्थान रहेगा, तो इसलिए कोई झगड़ा नहीं, कोई मतभेद नहीं, एक यूनाइटेड फ्रंट से हम लड़ेंगे। और चार वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए हैं तो वो भी काम ही करेंगे पार्टी का, उनके पास भी अलग अलग जिम्मेवारी होगी जो दी है, और हाई कमांड ने दी है, अपना कॉन्फिडेंस प्रकट किया है। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस और मजबूत होगी, कांग्रेस जीत की तरफ जा रही है, आम आदमी कांग्रेस की तरफ देख रहा है और कांग्रेस एक अवश्य इस चुनाव में जीतेगी। जब तक दिवंगत नेता वीरभद्र सिंह जी थे तब तक ये माना जाता था कि होली जो है केंद्र है सत्ता का और वहीं से जो है कांग्रेस चलती रही है। जब से उनकी जो है निधन हुआ उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि शायद कांग्रेस में बिखराव आ गया है, तो अब आपको लग रहा है दोबारा से जिस तरह से प्रतिभा सिंह को प्रेसिडेंट बनाया गया है प्रदेश कांग्रेस का, तो ऐसे में और मजबूत हुई है सरकार उनके प्रेसिडेंट बनने से? बिल्कुल मजबूत हुई है, एक विरासत होती है। राज साहब अभी कोई गुजरे हुए ज़्यादा देर नहीं हुई और आज भी उनकी बहुत उनके नाम की पैठ है हिमाचल में। और जब हम कंपैरिजन करें किसी भी मुख्यमंत्री का तो राज साहब का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। श्रीमती प्रतिभा जी, प्रतिभा सिंह जी तीसरी दफ़ा एमपी चुने गए हैं और इनका भी बड़ा लंबा अनुभव है। राजा साहब का जितना करियर था और जितने जान पहचान के अपने पॉलिटिकल स्फीयर में लोग थे, ये चश्मदीन गवाह हैं उनकी। और मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा फैसला हाई कमांड नहीं कर सकती। और ये कोड़ी लॉज तब भी सेंटर था, आज भी सेंटर है और रहेगा भी, ये मेरा पक्का मानना है। और हम तो खुद राज साहब के बहुत करीबी थे और बड़ा उनका विश्वास था हमारे पे, हम वही विश्वास श्रीमती प्रतिभा सिंह के साथ बनाए हुए रखेंगे ताकि पार्टी जो है अब कहीं बिखरने का तो खैर सवाल ही नहीं उठता, पार्टी और मजबूत होके चले। हर आदमी की पूछो, हर आदमी कंडक्शन हो, पार्टी के ऑफिस बेयरर्स बनाने में कोई कुछ नहीं जाता, इन दी सेंस के हमने कौन सी तनख्वाह लगानी है उनको। एक पार्टी की सारी इन्वॉल्वमेंट सारे प्रांत से, पूरे प्रदेश से, जगह जगह से उनको हम ऑफिस बेयरर्स बनाएं, पार्टी की कई ब्लॉक की जगह, कई डिस्ट्रिक्ट की जगह, कई पीसीसी की जगह, और हर आदमी अपना अपना काम करे। मैं देख रहा हूँ श्रीमती प्रतिभा सिंह के बनने से, श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बनने से, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी के बनने से अब सारे काम पे लग गए हैं।
और एक यूनाइटेड फेस प्रोजेक्ट हो रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि यूनाइटेड हो गई है कांग्रेस, और इसी बीच जो है बड़े मुद्दे प्रदेश में देखने को मिले हैं जो कि कांग्रेस उठा भी रही है। एक पुलिस जो लिखित भर्ती हुई थी, परीक्षा हुई थी, उसको रद्द कर दिया गया है। दूसरा खालिस्तान के झंडे लगाने वाला मामला है, किस तरह से इसको कांग्रेस देखती है और क्या कांग्रेस इसको चुनावों से पहले भुनाने की कोशिश करेगी? बिल्कुल, देखिए पुलिस भर्ती ये दूसरी दफा पेपर लीक हुआ है। अगर पुलिस में ही ऐसा हो जाए तो मेरे ख्याल है हिमाचल में लोग क्या सोचते होंगे। और ये एक ही ऐसा प्रदेश है, पुलिस भर्ती होती देश भर में, यहीं क्यों हो रहा है घड़ी घड़ी? इसमें मिली भक्त है, सरकार का लूज कंट्रोल है और अफसरों में मिली भक्त है। आज JBT का भी कोर्ट में ही है, मतलब जितने भी इंटरव्यू आए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, कहाँ तक 13 लाख तक हिमाचल के लोग अनएम्प्लॉयड यूथ हो गया 7 लाख से, और ये इंटरव्यू कोई सीधे नहीं चढ़ रहा, कोई बैकडोर एंट्री करा रहे हैं, पोस्टें भर रहे हैं बैकडोर से, कोई मल्टीपर्पज़ वर्कर, कोई ये वर्कर, कोई वो वर्कर। यार ये योग्य के काबिल उनको भी भर्ती करो, पर जो योग्य के लिए आदमी हैं वो कहाँ जाएंगे? अगर आपका पेपर ही लीक होता रहेगा तो इलेक्शन से पहले बनेगा नहीं ख्याल के पेपर दोबारा हो जाएगा या कर सकेंगे। पर एक चीज़ सामने आई, जब ये पुलिस के बड़े अहदेदार और जो छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं उनके बीच में टकराव हो गया इस चीज़ पे, पता नहीं आपको मालूम है नहीं कि इस चीज़ का टकराव हो गया कि जब ऊपर से हुक्म आया कि पेपर लीक भी हो गया तो रिजल्ट डिक्लेयर कर दो, तो निचली लेवल के अफसरों ने रजिस्ट किया क्योंकि कल को कोई इंक्वायरी होगी तो वो नीचे के लेवल के वहाँ जो फील्ड में अफसर हैं वही फंसेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके में एक जल्द ही टेप निकलेगा, ये सारी टेप भी रिकॉर्डेड है, वार्तालाप, समझ गए आप? और ये टेप जब खुलासा होगा तो सरकार को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। खालिस्तान का मामला भी सामने आ रहा है, पिछले 1.5 वर्ष से जो है लगातार धमकियां मिल रही है प्रदेश सरकार को, मुख्यमंत्री को, और हाल ही में जो है हिमाचल प्रदेश की जो दूसरी विधानसभा है शीतकालीन सत्र वहाँ लगता है तपोवन में, वहाँ पोस्टर लगा दिए गए, तो कहाँ खामी मानते हैं आप? देखो खामी तो पुलिस की है, सिक्योरिटी की है, सिक्योरिटी लैप्स है, होम डिपार्टमेंट फेल हो गया। मेरे को बड़ा लंबा अरसा हो गया हिमाचल की राजनीति में, 40 साल से ऊपर, मैंने पहली दफ़ा ये बात देखी, इवन जब टेररिज्म का टाइम था या खालिस्तान का टाइम था तो हिमाचल में ऐसी वारदात नहीं हुई। अब तो खुलेआम यहाँ रिज पे लग रहे हैं, विधानसभा के बाहर लग रहे हैं, ये हमारी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं तो और क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसियाँ हैं वो ही नहीं कुछ कर सक रही, ना हमारे कुछ कर सक रहे। तो बात ये है कि हिमाचल एक वल्नरेबल स्टेट हो गई है, स्टेट ये हो गया है कि टेररिज्म का एक हब बनने वाला है। वो देखते हैं कि यहाँ तो कानून व्यवस्था ही कुछ नहीं है, यहाँ सिक्योरिटी कुछ नहीं है, तो वो जब पंजाब हरियाणा इधर उधर दिल्ली से ये जो शरारती तत्व और ये जो मूवमेंट के तत्व या टेररिज्म, जब ये देखता है कोई स्टेट बिल्कुल वीक हो गई है तो वहाँ पनाह ढूंढते हैं, वहाँ ढूंढते हैं कि यहाँ बड़ा आराम है, यहाँ से करेंगे यार। अब आप CM की जितनी मर्जी सिक्योरिटी बढ़ा दो, उससे क्या फ़ायदा होगा? आप सिक्योरिटी बढ़ाओ लोगों की, आप सिक्योरिटी, कोई बम फट जाएगा या रॉकेट लॉन्च हो जाएगा या कुछ होगा तब देखोगे मुँह। ये नेताओं को, हमारे को नहीं चाहिए किसी को सिक्योरिटी, ना इनको चाहिए। आप जो जनरल सिक्योरिटी है, जो जनरल इंटेलिजेंस है कोऑर्डिनेशन तो करो, सेंट्रल गवर्नमेंट से करो, लो मदद NIA से लो, उससे आप रॉ से लो, आप इनके IB से लो, इसका मतलब भी खुलेआम जहाँ मर्जी झंडे लहरा रहे हैं, तो बड़ी शर्मनाक बात है, बहुत अफसोस की बात है, हिमाचल कभी ऐसा स्टेट नहीं था। बिल्कुल, अंतिम सवाल, हर्ष महाजन जो है पिछले लंबे समय से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, किस बार चुनाव लड़ेंगे
चंबा से। अब हाईकमांड जो बोलेगी वही करेंगे, जब हाईकमांड अगर कुछ बोलेगी तो हम कर देंगे। पीछे तो मेरा ऐसा मैंडेट था 2012 में कि आपने इलेक्शन मैनेजमेंट और इलेक्शन आपने संभालनी है, तो हम तो पार्टी के सिपाही हैं, जो पार्टी के अगर हमारी आवश्यकताएं इलेक्शन लड़ने की होंगी तो ज़रूर लड़ेंगे, अगर मैनेजमेंट की होंगी तो ज़रूर करेंगे, जो भी पार्टी का हुक्म है हम उसके मुताबिक चलेंगे। तो बिल्कुल ये थे हर्ष महाजन जी, उनका यही कहना है कि हम पार्टी के सिपाही हैं और जो पार्टी आदेश करेगी वो ही करेंगे, क्योंकि इससे पहले कई मुद्दों पर जो है हर्ष महाजन जी से हमारे से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि चाहे खालिस्तान का मामला हो या फिर पुलिस लिखित भर्ती का मामला हो, सभी मोर्चों पर जो है प्रदेश सरकार विफल रही है और इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है विपक्ष कांग्रेस पार्टी अब विधानसभा और जो नगर निगम के आगामी चुनाव आने वाले हैं उनमें जाएगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए समाचार फर्स्ट के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।